आज और इसके इसके अंतर्गत आप कुछ गुजराती भाषा के अंग्रेजी माध्यम से जो अर्थ है उसको जानेंगे। तो अगर इस गुजराती भाषा का थोड़ा संक्षिप्त परिचय देना जरूरी है। गुजराती भाषा मुख्य रूप में गुजरात राज्य की भाषा है और वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। और इसके ओरिजिन की बात करें तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से गुजराती जो है इंडो यूरोपियन ग्रुप की भाषा है, इंडो यूरोपियन फैमिली जिसको हम लोग भारतीय परिवार कहा करते हैं। इस परिवार में जो यूरोप की भाषाएं हैं और एशिया की प्रमुख भाषाएं आती हैं जैसे लैटिन, ग्रीक। उत्तर भारत में जो प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं असमिया से लेकर गुजराती तक, कश्मीरी वगैरह सिंधी, ये सब इसी परिवार में आते हैं। तो ये इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा है। और दक्षिण भारत की जो चार भाषाएँ होती हैं वो द्रविड़ियन फैमिली की हैं, द्रविड़ परिवार की भाषाएँ कही जाती हैं। उनका ओरिजिन, उनका ग्रामर, उनकी टर्मिनल संक्षिप्त परिचय है। और जहाँ तक आपको इसके इतिहास का, भाषा के साहित्य के इतिहास का संबंध है, गुजराती भाषा का इतिहास आपको लगभग 1000 ईस्वी से आरंभ होता है और 11वीं शताब्दी से तेजी से साहित्य का निर्माण होने लगता है, सृजन, साहित्य का सृजन होने लगता है। और साहित्य सृजन में तेजी का कारण ये रहा कि जैन धर्म, हिंदू धर्म का व्यापक प्रभाव पड़ा और चालुक्य और बघेला जो शासक थे उन्होंने संरक्षण प्रदान किया। वाक्यों का हम परिचय प्राप्त करते हैं, हम आगे से बोलेंगे और आप पीछे से दोहराएंगे उसको। तो एक शब्द है जिसको हम लोग हिंदी में नमस्कार बोलते हैं, उसको गुजराती में नमस्कार, उसको आप उसी रूप में समझेंगे, नमस्कार को नमस्कार। व्हाट इज योर नेम, इसको कहते हैं गुजराती में, आप रिपीट कीजिएगा। तमारू नाम शू छे। फिर दूसरा वाक्य है माई नेम इज लक्ष्मी, मारू नाम लक्ष्मी छे। फिर अगला वाक्य है हाउ आर यू, तमे केम छो। नेक्स्ट है आई एम फाइन, हूँ मजामा छू। इस तरह से शिक्षित।